ये जो हिरन है ट्रेंड है जैपनीज कल्चर के ऊपर। बच्चों ने काफी वेलकमिंग एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड दिखाया। 1278 साल पहले लकड़ी से बनाया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉग। जापान सीरीज डे 4, क्योटो को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है और अब मैं जा रहा हूँ जापान के शहर नारा में। मैं रात कैलकुलेट कर रहा था, मैंने अपनी एक ऐप इंस्टॉल की हुई है जो कि वर्कआउट कैलकुलेट करती है। मैं उसमें देख रहा था कि मैं पिछले 3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा किलोमीटर चल चुका हूँ पैदल और मैं 70,000 से ज्यादा स्टेप्स चल चुका हूँ। मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा, अगर आपका पैदल चलने का स्टेमिना नहीं है तो आप अच्छे टूरिस्ट कभी नहीं बन सकते। बहरहाल अभी नारा मैंने पैदल नहीं जाना, मैंने ट्रेन लेनी है, यहाँ से दूर है। चलो चलते हैं नारा। आले जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 ट्रेन चेंज करके तकरीबन 1.5 घंटे में मैं क्योटो से नारा पहुंच गया हूं। क्योटो के बारे में एक चीज बतानी मैं आपको भूल गया था कि क्योटो जो है वो टोक्यो से पहले क्योटो कैपिटल था जापान का, ठीक है। इनके स्पेलिंग भी थोड़े से उल्टे फुलटे कर देते, टोक्यो क्योटो, ठीक है। और ये 1000 साल तक कैपिटल रहा है जापान का, फिर उसके बाद जो है वो टोक्यो को कैपिटल बनाया गया। इस वक्त मैं नारा में, नारा भी कैपिटल रहा है जापान का, लेकिन कैपिटल होने के बावजूद ये इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन अब काफी डेवलप हो चुका है। 19 सेंचुरी के अंदर यहाँ पे काफी डेवलपमेंट्स की गई हैं। नारा की 2 मेन अट्रैक्शन है, वैसे तो छोटी बड़ी काफी ज्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन मेन 2 हैं, वो दोनों हम विजिट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना बोरी बिस्तरा जो कंधे पे ये लेकर चलेंगे ओसाका, इंशाल्लाह ओसाका नारा क्योटो ये पास पास है, ठीक है। तो मैं क्योटो से नारा आया, अब नारा से ओसाका जाऊंगा इंशाल्लाह। नारा की पहली अट्रैक्शन आपको रोड पे नजर आ रही होगी, डियर यानी हिरन, ठीक है। नारा का, मैं यहाँ पे नारा नेशनल पार्क विजिट करने आया हूँ, तो नेशनल पार्क के अंदर जो है हिरन काफी हैं और ये नेशनल पार्क से छोड़ेंगे, देखिए रोड पे फिर रहे हैं। इन हिरन को फीड करवाने के लिए आप ये क्या, इसको मैं बिस्किट बोलूँ या इसे कोई पापड़ बोलूँ, ये ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ से लिए हैं, 200 येन के मुझे ये मिले हैं, लेकिन ये मैं एक ही दफ़ा फीड करवाऊंगा तो ये काफी काम खराब हो जाएगा। तो जैसे ये नानी अम्मा फीड करवा रही हैं उन्हें, ये देखो थोड़ा थोड़ा, माशाल्लाह काफ़ी पले हुए हिरन हैं। इन्हें देख के मुंह में पानी तो आता है मेरे, क्योंकि कभी हिरन का गोश्त ट्राई नहीं किया, लेकिन नहीं बुरी बात है, ये इनका कह लें कि एज एसेट ट्रीट करते हैं इन्हें। वो देखें, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं उधर जाके आगे। ये जो हिरन हैं इनमें से बहुत सारे हिरन खुद ही ट्रेंड हैं जैपनीज कल्चर के ऊपर। आप इनके सामने जैसे ये मैंने मिस कर दिया, जैसे इनके सामने आप ये देखिए, ये भी ट्राई करेंगी, ये आप ये देखिए वो भी कर रहा है साथ साथ, ये देखिए जैपनीज भी थैंक यू इसी तरह कहते हैं। कैन यू डू इट वन मोर टाइम, ओके ये देखिए थैंक यू। क्या बात है यार, क्या बात है, जानवर भी जो हैं उन्हें भी एथिक्स आते हैं। अरिगातो, ये वंडरफुल। मेरे पास हैं, मैं खिलाता हूँ इन्हें, लेकिन पहले मैं सोच लूँ मैं खुद खाऊँ कि इन्हें खिलाऊँ। जस्ट किडिंग, खिलाता हूँ इंशाल्लाह इन्हें। ओ मेनू भी कर रहे ये नेशनल पार्क है जो कि स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पर है जहाँ पर मैं आया था। तो यहाँ पर डियर है, जो हिरन है वो ओपनली फिर रहे होते हैं, जैसे ये देखें, और ये देखे फिरते फिरते सड़क पे भी चले गए थे। तुसी आओ पुत्र पाकिस्तान, हाँ जी फिर के बखाओ जरा, थोड़े कपड़े भी नहीं लभने, असी तो खला भी बेच दी। पहले मैं उस तरफ था, वो दूसरी साइड पे, अब मैं रोड क्रॉस करके पार्क के इस साइड पे आया हूँ। ये देखें, ये थोड़ी सी खुली जगह है, लोग कम हैं आज। वो देखे वो वहाँ पे सींग फंसा के खड़े, लड़ाई होगी, रोटी पीछे लड़ाई होगी। So cute. वो देखो कितना कितना खिला रही, थोड़ा 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 खिला रही, मैं पूरे पूरे पापड़ खिलाए। अच्छा चेक करो कितनी इंटेलिजेंट क्रीचर है ये, वो दुकान के पास ही खड़े हैं जहाँ से मिलता है इनका खाना, ताकि इधर लेके इधर ही खिला दो इन्हें। लेकिन नहीं, मैं नहीं इधर खिला रहा, मैं अंदर लेके जाऊँगा, इधर वालों को बोल, लोगों ने खिला दिया होगा ऑलरेडी।
मैंने एक और चीज़ फिगर आउट की है कि जब ये आपके पास आते हैं ना खाने के लालच में, आप इन्हें अपने खाली हाथ दिखा दो ना तो ये चले जाते हैं। अब मैं ये है कि मेरे एक हाथ में वाकई खाना है और दूसरे में मेरे मोबाइल है, तो उसने देख लिया और नहीं मैं अच्छा ये देखिए ज़रा, उसने खाना देख लिया। अच्छा ये देखिए, मैंने कोट के नीचे छुपाया हुआ था ना अच्छा यार ये लो, नहीं है कुछ यार, नहीं है और हालांकि ये पड़े हैं मेरे ही गिरे हैं ये यार, उसे पता था मैंने कोट के नीचे छुपाए हुए हैं मैं जब खड़ा था ना, मैंने यूं कोट के नीचे छुपाए हुए थे, तो मैं आके बैठा हूँ ना, उसने आके मेरा कोट जो है वो, यार क्या बीवियों वाली आदत है यार इसकी, हदों की यार। ले जी, डियर पार्क में तकरीबन एक घंटा गुजारने के बाद और इन डियर्स के एथिक्स देखने के बाद यार, मैं दो चीज़ें मैंने यहाँ से कंक्लूड की हैं कि आप जानवर को भी एथिक्स सिखाओ तो वो सीख जाता है, लेकिन कुछ इंसान नहीं सीखते। आप इनको जैपनीज अंदाज में, वो देखें सामने देख लें, ये देख लें जैपनीज अंदाज में थैंक यू कहते हैं ये आपको, देखें ठीक है। और दूसरी जो मैंने एथिक्स सीखी है कि ये बड़ी इंटेलिजेंट क्रिएचर है, मैं मेरे हाथ में ये इस तरह मेरी जैकेट थी और मेरी जैकेट के नीचे खाना था, उसने सेंस कर लिया था और वो मेरे पीछे पीछे था, उसकी मेमोरी कह लें ठीक है, उसको पता था कि इसके पास जैकेट के नीचे खाना है। इनको आप खाली हाथ दिखाएं तो ये दूर चले जाते हैं, कि आप दिखाएं ना कि मेरे पास खाना नहीं है तो दूर चले जाते हैं। मैंने उसे एक खाली हाथ दिखाया, लेकिन उसने खाली हाथ को उसने कहा नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये इंसान है ये झूठ बोल रहा है ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे रहा। एनीवेज अब मैं जा रहा हूँ नारा की दूसरी अट्रैक्शन की तरफ, वो है एक टेम्पल है, वो हालांकि टेम्पल पिछले 4 दिन में मैंने बहुत से देखे हैं, लेकिन ये टेम्पल बहुत स्पेशल है। ये क्यों स्पेशल है मैं आपको वहाँ जाके देखता भी और दिखाता भी। ये है जो जापान की दूसरी अट्रैक्शन है, ये वाली नहीं जो हंस रही थी, नारा की दूसरी अट्रैक्शन है ये, टियोडाईजी टेम्पल, TOAIDIG, टियोडाईजी टेम्पल है। यहाँ पे स्कूल का भी एक एजुकेशन, हाय 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 या लाइकवाइज, थैंक यू हाय। बच्चों ने काफ़ी वेलकमिंग एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड दिखाया है। खैर मैं बता रहा था कि नारे के अंदर दूसरी अट्रैक्शन ये है TODG टेम्पल, इसके बाद इंशाल्लाह। अब यार सारी बात छोड़े, मैं हमेशा बात भूल जाता जब मैं ये देखता हूँ, ये जो कलर्स है ना जापान, ये हमारे पाकिस्तान में हुंजा वाली साइड पे होते हैं दिसंबर में, और मैं कभी दिसंबर में हुंजा गया नहीं, तो यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। ये है जी टोडाईजी टेम्पल, TODAIJI टोडाईजी टेम्पल। इसके बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि 157 मीटर हाई वुडन है ये, लकड़ी से बना हुआ 157 मीटर हाई, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची वुडन बिल्डिंग थी अंटिल 1998। 1998 में इसे सुपर पास किया है, वो जापान का ही एक स्टेडियम है, तो वो अब दुनिया की सबसे ऊंची वुडन बिल्डिंग बन गई है, सिर्फ जो मुकम्मल लकड़ी से बनी है, यानी कि इस वक्त लकड़ी से बनी पहली और दूसरी दोनों बिल्डिंग जो है वो जापान के अंदर ही, एक वो स्टेडियम और एक ये। और यहाँ पर चूंकि ये टेम्पल है, इनके रिलीजियस बिलीव्स हैं, इसलिए यहाँ पर स्कूल के ट्रिप्स भी आए हुए हैं ये देखें, और ये किसी एक स्कूल के ट्रिप नहीं है, डिफरेंट स्कूल के ट्रिप्स हैं। तो मुझे इस चीज़ का है कि ये कम से कम अपने कल्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं। ये देखो यार कितना ज़्यादा ऊंचा, और ये देखें, और इसके अंदर देखें जो एक अंदर स्टैचू नज़र आ रहा है आपको, बहुत बड़ा स्टैचू, इधर भी है वो स्टैचू, और ये सारी लकड़ी है ये देखें, प्योर वुड, प्योर। Excuse me. How many years old this temple is? Okay, 751. The building was constructed. Okay. 1,270 years old. Oh, 1,270 years old. Okay. Okay. 1278 साल पहले लकड़ी से बनाया गया यार। उस वक्त की टेक्नोलॉजी, ये असल में ट्रैवल गाइड है, वो दो खवातीन के साथ आई है। जिस चीज़ के उन खवातीन ने पैसे दिए वो मैंने मुफ्त में पूछ लिए। अच्छा 1278 साल पहले यार कैसे बनाया होगा लकड़ी से इतना ज़्यादा काम? ये 1278 साल पहले जो है शी मो यों यों टाइप के बंदों ने बनाया, तो ये आज तक खड़ा है। हमारे यहाँ पे अल्लाह दिता साहब कुर्सी बनाते हैं, वो दूसरे हफ्ते टूट जाती है। 600 येन की टिकट है अगर आप सिर्फ बुद्धा हॉल तक जाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप म्यूज़ियम में भी जाना चाह रहे हैं, बुद्धा हॉल प्लस म्यूज़ियम, फिर आपको 1000 की टिकट लेनी पड़ेगी, तो ये 600 येन की टिकट है। ये है जी टोडी टेम्पल, ये बुद्धा का जो स्टैचू है ये फेमस है,
ये जो हाथ है ना, इसकी हाइट जो है वो कम से कम 5.5 फुट या 6 फुट है। ये जो हाथ है, ये मैं फैक्ट पढ़ के आया था, ये बहुत बड़ा स्टैचू है। ये सारी बिल्डिंग लकड़ी से है, ये देखें, और सैकड़ों साल पुरानी, बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा हो गया, 1300 साल हो गए इसे बने हुए। स्कूल ट्रिप्स बहुत ज्यादा है यार, मैं जहां भी जिस टेंपल में भी गया हूँ ना, स्कूल ट्रिप्स हैं। और आपको नजर आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो अपने टीचर की बात नहीं सुन रहे, एक एक टीचर आप देखें यार, कोई हूहा, कोई बदतमीजी नहीं है, कितने, यानी आप कह लें कि बच्चे जो हैं टीचर को सुनते हैं, तमीज़दार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं ना। ये इस बिल्डिंग का जो है वो आप कह लें वो है मॉडल दिखाया उन्होंने। मैंने 500 येन का ये वाला सिक्का ले लिया यहाँ से, और अब मैंने अब इस पर अपना नाम प्रिंट करना है, तो 330 येन मुझे और डालने पड़ेंगे अपना नाम प्रिंट करने के लिए। ये देखिए, ये इनग्रेव हो रहा है, यानी मेरा नाम लिखा जा रहा है इस पर, वकार अजीम लिखा जा रहा है, वो लिखा आ गया, देखिए वकार अजीम, ये है जी फाइनल रिजल्ट, वकार अजीम, और साथ लिखी हुई है डेट कि मैं नारा आया था इस डेट को 7/12/2023। ले जी, नारा की दोनों टॉप अट्रैक्शन विजिट कर ली हैं, डियर पार्क, वहाँ पे खाना भी खिलाया हमने हिरन को, और इसके बाद मैं इस टेंपल के अंदर, जो कि हिस्टोरिकल टेंपल और काफ़ी मज़े का टेंपल है, मेरा जापान में चौथा दिन है, चौथे दिन में मैंने नारा और उसाका दोनों जगह जाना है, उसाका मैंने रात रहना है। लेकिन इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, अब मैं उसाका का इंशाल्लाह नया ब्लॉग शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो 50-60 व्यूज़ आने हैं वो व्यूज़ मेरे बोर ना हो जाएँ। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग अबाउट उसाका।